दोस्तों, लॉकडाउन के बाद काफी लोग जिम फिर से ज्वाइन करेंगे और काफी लोग पहली बार जिम में जाएंगे। ऐसी सूरत में कौन सा जिम आपके लिए सही रहेगा, ये एक कंफ्यूजन की बात है। तो पहले तो अपने आप को सवाल कीजिए, क्या आपको वास्तव में जिम ज्वाइन करने की आवश्यकता है। जिम ज्वाइन करने के श्योरली काफी बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आप बाहर मतलब आउटडोर में एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं या फिर यूट्यूब देख के घर में या आपकी सोसाइटी के जिम में आप खुश है, तो आप जिम ज्वाइन करके अपना पैसा बर्बाद करेंगे। फिर अपने आप से दूसरा सवाल करें, क्या मेरा फिटनेस गोल क्या है। दोस्तों, कौन सा जिम आपके लिए सही है, ये आपके फिटनेस गोल और आपके पसंद की ट्रेनिंग मेथड पे निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रॉसफिट ट्रेनिंग पसंद है, लेकिन आपने जो जिम ज्वाइन किया है वहाँ के ट्रेनर्स को क्रॉसफिट का कोई नॉलेज नहीं है, तो आपका पैसा बर्बाद समझो। या आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, लेकिन अपने जिम में कोई ट्रेनर आपको गाइड करने के लिए है ही नहीं, तो वैसा जिम ज्वाइन करके क्या फायदा। इसलिए जिम फाइनल करने के पहले अपने फिटनेस गोल को आइडेंटिफाई करना और उसके लिए कौन सी ट्रेनिंग मेथड सही रहेगी उसे जानना बहुत जरूरी है। अब आपको जिम क्यों जाना है वो पता है, तो आपका पहला स्टेप है जिम ढूंढना। दोस्तों, आप सोशल मीडिया पे ब्राउज कर सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड्स को पूछ सकते हैं। समझिए, आप रहते हैं वो एरिया में, 5 जिम है, तो कौन से जिम का सोशल मीडिया फॉलोइंग अच्छा है, जिम की वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन है, जिम की वेबसाइट पे जिम की फोटो गैलरी कैसी है, और मेंबर्स के कमेंट्स, क्लीनलीनेस, ट्रेनर्स और दूसरी फैसिलिटीज के बारे में क्या है वो चेक करें। इससे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा जिम आपके लिए ठीक रहेगा। अगर आप लंच में या ऑफिस के बाद जिम जाना चाहते हैं, तो जिम आपके ऑफिस के पास होना चाहिए। अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जिम जाना चाहते हैं, तो जिम आपके घर के पास होना चाहिए। ऐसा करने से आप जिम रेगुलर जा पाएंगे। दूसरा, हम रिकमेंड करेंगे कि अगर फैसिलिटी वाइज अगर कोई जिम बहुत अच्छा है लेकिन 5 किलोमीटर दूर है आपके घर से, और कोई जिम सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है लेकिन पहले जिम के मुकाबले फैसिलिटी में थोड़ा कम है, तो आप पास वाला जिम चूज करें। जनरली आपका जिम 5 या 10 मिनट की दूरी पे होना चाहिए, या यूं कहे वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, ताकि आपको ट्रैफिक, रेड लाइट, पॉल्यूशन या फिर धूप, बारिश, इन चीजों से जिम मिस न हो। हाँ, लेकिन आगे जो हम पॉइंट्स बताने वाले हैं, जिम चूज करने में ये पॉइंट्स भी काफी मायने रखते हैं। अब समझिए कि आपके एरिया में 5 जिम है, उसमें से 2 जिम का रिव्यू आपको अच्छा मिला, फिर आपको उन 2 जिम्स में पर्सनली विजिट करना है। पर्सनल विजिट के दौरान आपको जिम में क्या चेक करना है वो देखते हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या वो जिम के ट्रेनर सर्टिफाइड है, यदि हाँ तो कौन सा सर्टिफिकेशन है उनके पास। कुछ जिम में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लोग, जिनको 1 या 2 साल का एक्सरसाइज करने का एक्सपीरियंस होता है, उनको एज अ जिम ट्रेनर अपॉइंट किया जाता है। आपके जिम के ट्रेनर्स के पास वैलिड सर्टिफिकेशन जैसे ACSM, ACE, K11 या IHFA या और कई सर्टिफिकेशंस है जो जेन्युइन है। वैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जिम के ट्रेनर्स को CPR और फर्स्ट एड का नॉलेज होना भी जरूरी है। अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड है, तो ये भी चेक कीजिए कि आपके फिटनेस गोल या ट्रेनिंग मेथड का उनको एक्सपीरियंस है कि नहीं। मतलब आपका गोल वेट लॉस है, तो ये जरूरी है कि आपके ट्रेनर को वेट लॉस क्लाइंट्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज आपको चेक करनी है, जिम इक्विपमेंट। दोस्तों, जिम इक्विपमेंट की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है और इक्विपमेंट साफ होना भी जरूरी है। क्या जिम मैनेजमेंट अपने जिम की सफाई को गंभीरता से लेते हैं? क्या मेंबर्स को सैनिटाइजर और हैंड जेल प्रोवाइड किया जाता है? क्या जिम की एंट्री पे कोरोना वायरस स्क्रीनिंग मतलब टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा है? तीसरी चीज आपको चेक करनी है, क्या मेल फीमेल चेंज रूम सेपरेट और साफ है? क्या लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? इन चीजों को अच्छी तरह से चेक करें, और आपको सही लगे तो फिर फ्री डेमो या गेस्ट पास की रिक्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, आजकल सारे अच्छे जिम्स में मेंबर्स को 1 से 3 दिन का फ्री डेमो दिया जाता है, उसका सबसे अच्छा उपयोग कीजिए। डेमो के वक्त आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं, देखें कि क्या इक्विपमेंट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनका अलाइनमेंट ठीक है कि नहीं, क्या कार्डियो इक्विपमेंट सही कंडीशन में है कि नहीं, क्या स्टाफ पोलाइट है, कोऑपरेटिव है और हेल्पफुल है।
हम आपको सलाह देते हैं कि आप हर रोज वर्कआउट के लिए जिस टाइम स्लॉट में जाना चाहते हैं, वही टाइम स्लॉट में डेमो के लिए भी जाइए, ताकि आपको अंदाजा आएगा कि आपके टाइम स्लॉट में जिम में क्राउड कैसा होता है। अगर आपको इक्विपमेंट पे आपके टर्न के लिए लाइन लगानी पड़े तो वर्कआउट मोमेंटम टूट जाता है, और ये देखा गया है कि ऐसे सिचुएशन में लोग जिम जाना बंद कर देते हैं। अगर आप डेमो से खुश है तो फिर मेंबरशिप प्लान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लीजिए और निगोशिएट कीजिए। दोस्तों, इंडिया में हर चीज में निगोशिएशन होता है, जिम मेंबरशिप में भी। कुछ पॉपुलर फिटनेस बैचेस जैसे जुम्बा या बोकवा या एरोबिक्स या किकबॉक्सिंग, क्रॉसफिट, योगा, इन सारी चीजों के अलग मेंबरशिप प्लान होते हैं, इसलिए उनके बारे में अच्छी तरह से पूछे और कोशिश करें आपको अच्छी डील मिले। दोस्तों, अगर आप पहली बार जिम में जा रहे हैं तो 1 या 3 महीने की ही मेंबरशिप ले, एक्सपीरियंस करें, और अगर सब ठीक लगे तो फिर मेंबरशिप को रिन्यू करें। दोस्तों, ये तो थी प्रायोरिटी की टिप्स। दूसरे पॉइंट्स, जो पहले पॉइंट्स जितने जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको जिम ज्वाइन करने से पहले एक बार चेक जरूर करना चाहिए, जिम के एयर कंडीशनर्स एंड वेंटिलेशन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, स्पेस एलोकेशन मतलब ग्रुप वर्कआउट, वेट एरिया, कार्डियो एरिया स्पेशियस है कि नहीं, जिम के सिक्योरिटी सिस्टम्स मतलब सीसीटीवी इंस्टॉल्ड है कि नहीं। हमने बताया कि आपका जिम वॉकिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप उसके लिए ज्यादा फीस दे दो। फीस को दूसरे जिम के साथ कंपेयर जरूर कीजिए, और जिम के मेंबर्स के लिए पार्किंग फैसिलिटी ठीक है कि नहीं वो भी चेक कीजिए। तो दोस्तों, किसी भी जिम की मेंबरशिप लेने से पहले इन सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, ताकि आप जिम में रेगुलर जा सके और आपका फिटनेस गोल किसी भी रुकावट के बिना अच्छी तरह से अचीव हो सके। अगला वीडियो जिम मेंबर्स को जिम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पे हम लेके आएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।